दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से वनडे सीरीज जीतने के बाद मैन ऑफ द सीरीज बने ईशान किशन, लेकिन रोते हुए भावुक नम आंखों से अपना अवार्ड और इनाम हार्दिक पांड्या के हाथ में थमा, फिर कही ऐसी दिल जीत लेने वाली बात की जानकर पूरा देश रह गया हैरान। तो दोस्तों आखिर ईशान किशन का यह बयान तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। यहाँ पर भारतीय टीम के हिसाब से नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज की टीम को हराने के हिसाब से हुआ ये कि दोस्तों इस मैच में वेस्ट इंडीज के कप्तान शाय होप ने न जाने क्या सोच समझकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया और ये फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया, क्योंकि भारतीय टीम ने जब बल्लेबाजी की शुरुआत की तो यहाँ पर 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने 351 रन बना दिए थे। और यहाँ टीम इंडिया की तरफ से ईशान किशन और शुभमन गिल ने जब पारी की शुरुआत की तो यहाँ पर ईशान किशन ने 77 तो वहीं शुभमन गिल ने 85 रन की पारी खेली। हालांकि दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, जहाँ ऋतुराज गायकवाड़ तो मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हो गए तो वहीं संजू सैमसन ने 51 रन बनाए। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या का बल्ला जोरदार चला, जिन्होंने 52 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 70 रन जड़ डाले। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 35 रन की पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने 8 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम 50 ओवर में 351 रन बना पाने में कामयाब हो पाई। और दोस्तों यहाँ पर 352 रन का लक्ष्य वेस्ट इंडीज की टीम के सामने था। हालांकि वेस्ट इंडीज की तरफ से तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड को सबसे ज्यादा 2 विकेट मिले, तो वहीं एक एक विकेट अल्जारी जोसफ गुड़ा, केशमूटी और यैनिक कराय को मिला। अब दोस्तों बारी थी वेस्ट इंडीज की टीम की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की और मैच जीतकर अपने नाम करने की भी, लेकिन यहाँ पर वेस्ट इंडीज के तो आज इरादे ही सही नहीं थे। यहाँ पर जब ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो यहाँ पर ब्रेंडन किंग तो आज 5 गेंदों में 0 रन बनाकर ही आउट हो गए और उनको मुकेश कुमार ने अपने जाल में फंसाया, जहाँ ब्रेंडन किंग के आउट हो जाने के बाद उतरे एलिक एथानाजे, जहाँ एलिक एथानाजे और काइल मेयर्स पारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही मुकेश कुमार ने काइल मेयर्स को भी चलता किया, जो कि मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद कप्तान शाय होप मैदान पर आए, जहाँ शाय होप 5 रन बनाकर ही आउट हुए और उनका विकेट भी मुकेश कुमार ने चटकाया। अब दोस्तों 3 बड़े सफलता मुकेश कुमार को मिल चुकी थी और 17 रन के कुल स्कोर पर वेस्ट इंडीज ने अपने 3 विकेट भी गवा दिए थे। हालांकि यहाँ पर अब किसी कार्टी और एलिक एथानाजे मैदान पर थे, लेकिन यहाँ पर काइसी कार्टी को भी किसी ने बल्लेबाजी खुलकर करने ही नहीं दी। यहाँ पर वो 6 रन बनाकर ही आउट हुए तो वहीं फिर मैदान पर आए शिमरन हेटमायर ने मात्र 4 रन बनाए और उनको शार्दुल ठाकुर ने अपने जाल में फंसाया। तो वहीं फिर जब एलिक एथानाजे और रोमारियो शेफर्ड के बीच साझेदारी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी तो इसी बीच रोमारियो शेफर्ड मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हुए और यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने उनको भी फंसा लिया। अब दोस्तों 50 रन के कुल स्कोर पर 6 बड़े झटके लग जाने के बाद वेस्ट इंडीज की टीम का खेल समाप्त हो चुका था। और यहाँ पर फिर क्या था, भारत ने 10 विकेट वेस्ट इंडीज की टीम के मात्र 151 रन पर ही चटका दिए, जिसके चलते वेस्ट इंडीज को यही तीसरे वनडे मुकाबले में 200 रन से हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों इस मुकाबले में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से ईशान किशन को नवाजा गया, लेकिन दोस्तों ईशान किशन ने सीरीज का अवार्ड लेने से यह इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं बल्कि हमारे कप्तान है और उन्होंने दिल जीत लेने वाला कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने कहा कि मैं आज जहाँ भी खड़ा हूँ उसके पीछे बस हमारे कप्तान का हाथ है और मैं उन कप्तान की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि वनडे क्रिकेट में साफ तौर पर कप्तानी करते हैं, लेकिन मैं हार्दिक पांड्या भाई की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया कि मैं यहाँ रन बना सकता हूँ, इसीलिए पहले वनडे मुकाबले के बाद उन्होंने अगले 2 वनडे मुकाबलों में कप्तानी की और मेरे पर भरोसा जताया, जिसका मुझे काफी ज्यादा फायदा मिला और यह अवार्ड और इनाम मैं अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को देना चाहूंगा। और दोस्तों यहाँ पर ईशान किशन ने यह अवार्ड और इनाम हार्दिक पांड्या के हाथ में थमाया। बाकी आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है, ईशान किशन ने जो किया वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।